हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट्स कला। इस वीडियो में आप गणपति जी के सिंहासन बनाने का एक आइडिया देखेंगे। ये आइडिया एकदम लास्ट मिनट आइडिया है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। कार्डबोर्ड की हेल्प से एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लीजिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बीच वाले रेक्टेंगल की विड्थ मैंने साइड के दोनों रेक्टेंगल से थोड़ी ज़्यादा रखी है। मूर्ति जितनी बड़ी है उस हिसाब से इस रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ रखिए। उसके बाद इस तरह से ऊन को कार्डबोर्ड पे चिपका दीजिए। उसके बाद कार्डबोर्ड को कलरफुल शीट से कवर कर लेंगे। मैंने इसके लिए रेड वेडिंग कार्ड का यूज़ किया है। हैंडमेड शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेंगी। ऐसा हमें कार्डबोर्ड के दोनों तरफ करना है। अब गणेश जी का सिंहासन बनाते हैं। अप्रोप्रिएट साइज़ का कार्डबोर्ड का डब्बा लेकर मैंने उसे वेडिंग कार्ड की शीट से कवर कर दिया है। अब एक और सुंदर वेडिंग कार्ड लेकर उसे सर्कुलर शेप में काट लिया है। सर्कल का डायमीटर बॉक्स के लेंथ के 1 या 2 सेंटीमीटर बड़ा लीजिएगा। इसके बाद इसे हम बॉक्स पे चिपका लेंगे। उससे पहले इसे डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करने के लिए मैंने बीट्स वाले स्टिकर्स का यूज़ किया है और बाउंड्री पे एक रेशम का धागा लगा दिया है। अब इसे गोटे की हेल्प से थोड़ा और सजा लेंगे। इसके बाद इसे बॉक्स पे चिपका देंगे। अब जितनी विड्थ का बॉक्स है उतनी ही विड्थ की एक लंबी स्ट्रिप ले लीजिए। यह भी मैंने एक वेडिंग कार्ड से ली है और उसे इस तरह से रोल कर दीजिए। ऐसे हमें 2 रोल्स बनाने हैं, उन्हें हम सिंहासन के दोनों तरफ लगाएंगे। अब सेम शीट से सर्कल काटकर रोल के क्रॉस सेक्शन पे चिपका लीजिए। इन दोनों को भी मैंने गोटे से सजा दिया है। आप जैसे चाहें वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब सिंहासन के दोनों तरफ इन्हें चिपका लीजिए। इसे और डेकोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंहासन तो बन चुका है। अब इस सिंहासन को रखने के लिए एक बेस बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ये बॉक्स यूज़ किया है और इसे हैंडमेड शीट से रैप कर दिया है। रैप करने से पहले मैंने इस बॉक्स को न्यूज़पेपर से फिल कर दिया है ताकि यह सिंहासन के वजन से दबे ना। अब इस बेस पे दोनों चीज़ों को हॉट ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। यह आइडिया एकदम लास्ट मिनट आइडिया है, इसलिए इतना सिंपल है और साथ ही सुंदर भी है। इसे बनाने के लिए बहुत ही मिनिमम मटेरियल चाहिएगा। सिंहासन के ऊपर एक रेड कपड़ा भी मैंने बिछा दिया है। अब सिंहासन के ऊपर एक छत्र बनाएंगे। इसके लिए एक सर्कुलर शीट काट लीजिए और उसमें से इस तरह से एक छोटा सा सेक्टर निकाल लीजिए। फिर इसे बीच में से चिपका दीजिए। इससे हमें एकदम छत्र की शेप मिल जाएगी और इसे जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसे डेकोरेट करने के लिए भी मैंने गोटे का इस्तेमाल किया है। एक हार्ड वायर की हेल्प से मैंने पीछे एक स्टैंड बना लिया है। इस पे हम छत्र को इस तरह से लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी जल्दी इतना सुंदर सिंहासन बन चुका है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इसी क्राफ्ट आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप गणेश चतुर्थी का व्लॉग देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक्साइटिंग क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।